हाल ही में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर नजर आई। इस दौरान एक महिला CISF गार्ड ने एक्ट्रेस को थप्पड़ मार दिया। जिस महिला ने कंगना को थप्पड़ मारा वो CISF कांस्टेबल है और उसका नाम कुलविंदर कौर है। कुलविंदर कंगना के किसान विरोधी बयान से नाराज थी। कंगना ने किसान आंदोलन के समय दिल्ली धरने में बैठने वाली महिलाओं को लेकर कहा था कि वह 100-100 रुपए लेकर बैठी है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को खालिस्तानी बताया था। कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब किसी फिल्मी हस्ती को थप्पड़ पड़ा हो। उनसे पहले कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब स्टार्स को थप्पड़ मारे गए हैं। सबसे पहला नाम आता है बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान का। कहा जाता है कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को भी एक महिला थप्पड़ जड़ चुकी है। बात है साल 2009 की, जब दिल्ली में एक पार्टी में सलमान अपने भाई सुहेल खान के साथ मौजूद थे। पार्टी में एक मोनिका नाम की महिला थी जो कि एक अमीर बिल्डर की बेटी थी। उसने जबरदस्ती पार्टी में घुसने की कोशिश की थी। उसे सुरक्षा कर्मियों ने रोका लेकिन वह नहीं मानी। तब वहां सलमान खान भी आ गए और उसे समझाने लगे, लेकिन लड़की ने सलमान खान को थप्पड़ लगा दिया था। दूसरा नाम आता है बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान का। शाहरुख खान को थप्पड़ उस समय पड़ा था जब वह बॉलीवुड में नहीं आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार शाहरुख खान ट्रेन में सफर कर रहे थे, तब एक महिला ने उन्हें थप्पड़ मारा था। बताया जाता है कि सीट खाली न करने को लेकर सबके सामने शाहरुख खान को थप्पड़ पड़ गया था। गौहर खान टीवी की जानी मानी खूबसूरत एक्ट्रेस है। बता दें कि वह बिग बॉस सीजन 7 का विनर भी रह चुकी है। उन्हें साल 2014 में एक शख्स ने थप्पड़ मारा था। वो जब रियलिटी शो इंडियाज रॉयल स्टार के फिनाले की शूटिंग में बिजी थी, तभी मोहम्मद अकील मलिक नाम के एक शख्स ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। साथ ही शख्स ने एक्ट्रेस के गाल पर तमाचा भी जड़ दिया था। बिपाशा बासु को लेकर कहा जाता है कि एक्ट्रेस करीना कपूर खान से थप्पड़ खा चुकी है। हालांकि इस मामले में दोनों ही एक्ट्रेस में से किसी ने भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की, लेकिन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2001 में फिल्म अजनबी की शूटिंग के दौरान किसी बात पर दोनों एक्ट्रेस में बहस हो गई थी, तब करीना ने गुस्से में बिपाशा को थप्पड़ मार दिया था। रणवीर सिंह को भी शरेआम थप्पड़ पड़ चुका है। एक इवेंट के दौरान एक शख्स ने रणवीर सिंह को थप्पड़ मार दिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत भी थप्पड़ का शिकार हो चुकी है। साल 2016 में मल्लिका पेरिस में अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपार्टमेंट में रहती थी, तभी मास्क लगाए 3 अज्ञात लोग आए और मल्लिका की पिटाई कर दी। करण सिंह ग्रोवर को भी थप्पड़ पड़ चुका है और ये थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि उनकी एक्स वाइफ जेनिफर विंगेट ने मारा था। आदित्य नारायण को भी एक लड़की ने शरेआम थप्पड़ मारा था। पब के एक पार्टी में एक लड़की ने नशे की हालत में आदित्य के साथ ऐसी हरकत की थी।